जय हिंद दोस्तों। देखिए घातांक और करनी से रिलेटेड हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी ठीक है, यहाँ से टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल से महत्तम समावर्तक जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन को करते हैं हम, सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर कोई चीज़ तरह से भाग में दी है और ये पावर दी है तो भाग में घाते घटती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं। सिर्फ यही हमने पूरे उसमें रूल फॉलो किया है, इस तरह को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्या हम इसको x माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि भाग में है तो घाते इसकी घट गई, लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई हो गया, राइट, इंटू ए वाई माइनस जेड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वाई प्लस जेड हो गया, इंटू ए जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, x प्लस जेड हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है। ए एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, राइट, इंटू ए वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड हो जाएगा, राइट, और इंटू ए जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स हो जाएगा, राइट, ए एक्स प्लस जेड है, जेड प्लस एक्स लिख सकते हैं, नो इशू, है ना। तो देखिए ये आपको इस तरह से नहीं लग रहा क्या, देख एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्या इस टर्म में ये नहीं लग रहा आपको? तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। तो क्या हम इसको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दें? लिख सकते हैं, राइट, इंटू ए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, सब इसी तरह से दिया हुआ है, इंटू ए जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। ए को हम कॉमन ले लेंगे, राइट, गुणा में है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, वाई स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब प्लस में क्यों हो गई? क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं। क्या x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है? होता है कैंसिल, राइट, माइनस का वाई स्क्वायर से प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल होता है, माइनस का जेड स्क्वायर से प्लस का जेड स्क्वायर कैंसिल होता है, तो ए की पावर क्या बचा? जीरो बचा। आप सबको पता होगा अगर किसी की पावर जीरो है तो इसका मतलब आंसर आपका वन आ गया, ठीक है, वो वन हो जाता है, आंसर आपका एक आ गया, इसका आंसर आपका वन आया, राइट। कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेशन में बताइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर शेयर जरूर करिएगा, एक सब्सक्राइब से लाइक से मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।